वाह, तेनू भुल गईया साडियां कदरां, तेनू भुल गईया साडियां कदरां, दिल दिया दिल विच रह गईया सदरां, गयो लुट के यार खुदाइया चिट्ठियां, खाए दर्दां दियां कसां लिख लिख पाईयां चिट्ठियां, कसां लिख लिख पाईयां चिट्ठियां, हाँ। और ये गीत मैंने दिलदार परवेज भट्टी के प्रोग्राम में भी गाया था। अच्छा, चाचा साहब इस वक्त आप इस फन को आज़ाहिर आप मिस तो करते हैं क्योंकि इसको आप बाकायदा नहीं अभी तक कर सके, तो वो फ्यूचर में क्या आप समझते हैं कि अगर आप कोशिश करें और रिक्वेस्ट भी है आपसे तो इस फन को किसी न किसी तरीके से जारी रखें ताकि लोग इससे मुस्तफीद भी हों और सीखें भी कुछ। जी बेशक, इत्तफाक की बात है कि आप यकीन करें कि जब से इधर हूँ मैं किसी से मौसीकी पे बात ही नहीं हुई कि सुर क्या होता है, लय क्या होता है, सुर में सुरतियाँ कितनी होती हैं, रागों का ही नहीं। आप यकीन करें शायद अभी इतना वो लोग जो है ना, जैसा आपने कहा अभी कि शॉर्ट रास्ता है जी, शॉर्टकट लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमने एक ना एक जगह मतलब अरेंज की है, वहाँ हम बैठकर हमारा बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ, तो मैं चाहूँगा कि जब आपके पास टाइम हो ना तो आपको मैं जनाब वहाँ ले जाकर एक तो गपशप भी हो और दूसरा इस फन के हवाले से भी अगर आप कुछ करना चाहें तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है और हमारे देखने और सुनने वालों की भी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बिल्कुल आपकी जो ख्वाहिश है उसका एहतराम करता हूँ। आप मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, बहुत हम कोलीग भी और काफ़ी हैं, शुक्रिया जान पहचान। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस फन का यानी लोग समझें ताकि फिर कदर होती है ना, पता चलता है कि बंदा क्या गा रहा है, अपना इसकी गायकी का क्या मियार है, कैसे समझ के गाता है। तो मेरा तो ये शौक था कि जब इस आज से पहले बहुत अरसे की बात है कि मेरे पास जो हारमोनियम थे, जो तबले थे, जिस जिसको शौक था मैंने कहा ये ले जाए, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इनको भी मेरी तरह तरह शौक है, चलो ये इनके पास कमी ना हो, अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो ये अपना प्रैक्टिस करें। शाह साहब यहाँ काफ़ी बंदे हैं जो प्राइवेट प्रोग्राम करते हैं क्योंकि देखा जाता है ना फेसबुक पे मुख्तलिफ अदवार में वक्त में उनको देखते हैं प्रोग्राम करते। तो अच्छा अभी आप आखिर में अगर कुछ कोई और कलाम, कोई आरफाना कलाम या कोई अगर सुनाना चाहें तो प्रोग्राम को फिर हम इख्तिताम की तरफ। आरफाना कलाम तो नहीं है, एक वो कोई, अपने कोई वो जो क्या नाम था उनका, अच्छा मैं वो हाँ जी उसमें कर देता हूँ ना बिल्कुल वो जी जी। हाँ जी क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल जनाब इंशाल्लाह मेरी तरफ से आप कोई मसला नहीं है, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ अगर कोई सुनने वाले या गाने वाले एक बैठक रखा करेंगे हफ्तावार या जब टाइम आपके पास हो तो उसमें हम इंशाल्लाह करेंगे और मुझे भी खुशी होगी। चलो मैं भी देखूंगा कि जो लोग अपना इससे शौक रखते हैं ठीक है, जाहिर है उनका मजाज उनका वो बड़े प्यार वाले लोग प्यार बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये मैं इस पे ये कर देता हूँ, ये मैंने एक कंपोजिशन की थी, इसको मैंने तराना बनाया था। अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर इसकी मुझे वर्डिंग मिल गई, वो बड़े अच्छे हमारे दोस्त अल्लाह ने खुश रखे कर्नल इलियास साहब ना, अच्छा तो उनकी फिर वर्डिंग मैंने इस पे फिट की। ठीक है, तो जी, जैसी आवाज आ रही है मैं आपका
अब आपने सवाल किया था राग का ना जी जी, अब हर राग का अपना एक वो मजाज है, उसकी अपनी एक फीलिंग है। अच्छा, और वो चीज जो ना वो जब सामने आती है तो गाने वाले को भी मजा आता है और सुनने वाले को मजा आता है। अच्छा साहब, एक और बात जहन में आई कि ये राग जो होता है ये वक्त और माहौल बिल्कुल असरअंदाज होता है। राग के वक्त होते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त मैं शुरू कर रहा हूँ ना, ये इसको कहते हैं सदा सुहागन। इसका कोई टाइम अच्छा, का वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये गायकी में हमारे में इसकी अच्छा, इजाजत है। अच्छा, बाकी जितने भी मसलन एमन किरान का इस वक्त टाइम है, अच्छा, यानी कि हर टाइम है वक्त अलहदा अच्छा, लेकिन ये ऐसी चीज है कि इसको जब भी आप गाएंगे ना तो मजा आएगा, मजा आता है। यानी इसके लिए कोई टाइम मकसद सदा सुहागन, सुहागन हाँ जी, बैरवी इसे कहते हैं, सदा सुहागन इसको बोलते हैं ना गायक लोग। अब इसमें आप देखें, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि इतनी तैयारी तो नहीं, लेकिन इसमें वो चीज पेश करूँ ना जो 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 इसका जो अंग है ना बैठ जी। हम आल मुहम्मद से विलात रखते हैं, परवाना जन्नत बखुदा रखते हैं, हर मुसीबत से बचाती, हर मुसीबत से हमें नादे अली मूसा की तरह हम भी आसा रखते हैं। अब इसमें मैंने पहले एक तराना खुद कंपोज किया था अपनी अच्छा, मेरी कंपोजिशन अच्छा, वो ये था, दीम ताना देरे ना ताना देरे ना, 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 ताना देरे दीम ताना दीम ताना, अली दे प्यार बिच अली अली कर तू, अली दे प्यार बिच अली अली कर तू, अली 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 कर तू, अली 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 कर तू, अली 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 मोला, अली दे प्यार बिच अली अली कर तू, रब दे प्यारे दा प्यारा अलिया पे, रब दे प्यारे दा प्यार, रब दे प्यारे दा प्यारा अलिया पे, रब दे दबारे दा दबारा अलिया पे, दुखियां दे दिलां दा सहारा अलिया पे, दुखियां दे दिलां दा सहारा अलिया पे, हर पल हर दम अली अली कर तू, अली दे प्यार बिच अली
अली कर दो। नबी जी दा मौला यो दा मौला अली आपे घर घर सारे निरे सारे घर गा पा दा नी दा पा दा मा पा गा मा दा पा नी दा पा पा दा नी दा सा नी रे सा नी दा पा गा मा दा नी सा रे सा गरे गरे नी दा मा रे गा पा दा नी सा नी दा पा मा गा मा गा रे सा पमा गमा पदा पा दमा पगा नी दपा दमा पगमा दपा नी दपा पदा नी दसा नी रे सारे गंगरे सारे नी रे सा नी दपा दपा मगा मदा नी सा नी 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 रे सा गरे गरे ने सारे नी रे सा नी दपा दपा मगा मपा दपा मगा मरे गसा सारे गरे सारे धा गरे गरे रे सारे नीरे सारे गारे सारे गमा पा मगा दपा निदा सनी गारे सनी दपा मगा रे गरे सारे नीरे सा नबी जी दा मौलायो दा मौलाय लिया पे नबी जी दा मौलायो दा मौलाय लिया पे मोमना दे गीता विच टोला अलिया पे इल्म दी शमा विच शोला अलिया पे हर पल हर दम अली अली कर तो अली दे प्यार विच अली अली कर तो अली दे प्यार विच अली अली कर तो क्या बात है माशाल्लाह जी। तो ये है राग की तासीर। अच्छा, तो यानी उसमें इंसान खुद भी इन्वॉल्व हो जाता है, हो जाता है। यानी वो होता है ना जैसे इंसान जो कोई भी काम करता है उसमें वो अपना वो कहता है मुझे इसका अल्लाह ताला मुझे इसका ज्ञान दे दो ना, यानी कोई भी चीज़ होता है। तो इसमें भी यही है कि ये अब जैसे हम तरफ यानी इतनी इतनी प्यारी किरत करते हैं उनकी सोज़ो आवाज़ देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह, ये सब अल्लाह ताला की देन है। फिर अपनी मेहनत है इंसान की ना, जो इंसान मेहनत करता है उसको ये सब कुछ यानी अल्लाह ताला देता है। जो शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया ये तो मुझे पता है कि मैं आपका शुक्रिया किस अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी तरह जगमगाता रहे, आबाद रखे, और इस फन को भी आप अपने साथ इसी तरह चलाते रहें। आखिर में हमारे देखने और सुनने वालों के लिए कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं इस फन के हवाले से भी, या कोई भी ऐसी बात? जी माशाल्लाह, पहली बात तो यह है कि मैं सबसे यानी मुझे उम्मीद है कि आपका प्रोग्राम बड़ा लोगों ने पसंद किया होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम देखें हमारा दुनिया से तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं कोई तमा लालच। हम तो यही चाहते हैं कि इंसान जिस भी काम में है उसमें प्यार पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे और अमन का पैगाम दे। ठीक है, अपने लोगों जो अपना टूटे हुए लोग हैं उनको जोड़े हैं जी। तो ये जो फन है मैं तो इसको इसीलिए इसी तरह सोचता हूँ कि जो भी सुनेगा उसके दिल में और प्यार बनेगा एक दूसरे के लिए ना, बिल्कुल माशाल्लाह बढ़ेगी इसी तरह। तो ये है मेरा पैगाम, बस एक दूसरे का ख्याल करें, एहसास करें, नेकियां यानी बांटें, जो कुछ हो सके खुशियां बांटें। और दुआ है हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे, हमारी पहचान हमारा जान मान यानी वही है पाकिस्तान, उसी से हमारी पहचान है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इज्जत दे, और कश्मीरी जो बहन भाई हैं हमारे अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे, और जो वबा आई है जी हाँ जी बिल्कुल जो वबा आई है बस इसके लिए यही है कि आप बावजू रहें जी।
बस अल्लाह ताला का जिक्र रखें, वही ज़ात पाक है जिसके हाथ में मौत और ज़िंदगी है। बस जब हमारा ईमान होगा, लेकिन शरायत वो ज़रूरी है, एहतियात बड़ी ज़रूरी है, जो स्टेट जो कहती है उस पर अमल करें, और बस इसका ख्याल रखना चाहिए। और अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा यानी खुशियाँ दे, सबको खुशोखुर्रम रखे, और जो जो देख रहे हैं उनको भी बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बड़ा वक्त हमें दिया, यानी देखने वालों ने भी। ये तो मेरी इज्जत और मेरी जनाब खुशी, मेरे लिए ये इससे बढ़कर नहीं है कोई भी शाह साहब के अल्फाज नहीं है मेरे पास के जो मैं बयान कर सकूँ। आपकी बातें मेरे दिल में भी और देखने और सुनने वालों के दिल और दिमाग में भी रहेंगी। 4 दिसंबर 2020 को ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और शाह साहब की बातें और शाह साहब का फ़न जनाब हमारी लाइब्रेरी में महफूज है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको इसी तरह खुशोबाद रखे। और वॉइस ऑफ पीस का मकसद सिर्फ इस चैनल का यही है कि हम अपनी आवाज़ को अमन की सूरत में दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि अमन का गवारा बनाना है, वॉइस ऑफ पीस को फैलाना है, यही है हमारी रीत ZDK वॉइस ऑफ पीस। आज के लिए इतना ही, नए मौजू के साथ नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और शाह साहब आपका दोबारा बहुत तह दिल से दिमाग से और सुनने वाले और देखने वालों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम आपकी रानमाई में इस फन को एक प्रोग्राम की सूरत में ज़रूर पेश किया करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।